नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में पी जाने वाली एक चाय के बारे में, उस चाय से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है सिनोथस अमेरिकाना या सिनोथस अमेरिकनस बोला जाता है। इस दवा के बारे में बात करेंगे, इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनोथस अमेरिकनस एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा श्रब है जो कि अमेरिका में, नेटिव अमेरिका में पाया जाता है। वहाँ के नेटिव लोग जो है इसको रूटीन में यूज करते हैं और काफ़ी सालों से यूज करते आ रहे हैं। इसका नाम सिनोथस है। इसको वहाँ पर न्यू जर्सी टी भी बोला जाता है, या इसका एक अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नाम की बात करें, तो वह जो है न्यू जर्सी टी बोला जाता है इस दवा को, या इस हर्ब को, इस श्रब को यह नाम से पुकारा जाता है। यह मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि इस दवा का उपयोग ऐसी बीमारियों में किया जाता है जो कि बहुत ही जो है लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग बहुत ही अच्छे से किया जाता है। सिनोथस मेडिसिन जो है यह स्प्लिनोमेगैली और हिपेटोमेगैली, यानी कि तिल्ली का बढ़ जाना या लीवर या यकृत का बढ़ जाना, ऐसी कंडीशंस में उपयोग में लाई जाती है, या ऐसी कंडीशन में जहां पर लीवर और स्प्लीन दोनों का अफेक्शन हुआ हो, ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि लीवर और स्प्लीन का जो काम है, वह जो है ब्लड सेल्स जो है उसको फिल्टर करना है, यानी कि खून में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, विशेषकर WBC, RBC, इस प्रकार की जो सेल्स है, इसको फिल्टर करने का काम, इसके अंदर जो एबनॉर्मल सेल्स है या इसके अंदर जो सेल्स ऐसी हो गई हैं जिनको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है, या वीक हो चुकी है, या एबनॉर्मल शेप साइज में है, उनको फिल्टर करने का काम स्प्लीन करता है, या ऐसी सेल्स जो कि एक टाइम के बाद में जो है उनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया है, खराब हो गई है, तो उनको भी फिल्टर करने का काम स्प्लीन करती है। और जब स्प्लीन पर लोड बढ़ेगा, स्प्लीन यानी कि तिल्ली के ऊपर जब लोड बढ़ेगा, जब उसका काम वर्कलोड बढ़ जाएगा, या उसको और ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करने की जो है इंडक्शन मिलेगा या पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में स्प्लीन का साइज जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कि एनीमिया की कंडीशन है, यानी खून की कमी है, और उनमें लीवर और स्प्लीन अफेक्ट हो चुके हैं, उनका साइज बढ़ चुका है, हेपेटोमेगैली या स्प्लिनोमेगैली की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में सिनोथस मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि खून पतला करने की ज़रूरत है, यानी कि ब्लड क्लॉट ज़्यादा जमते हैं, ब्लड क्लॉट्स को जमने से रोकने के लिए भी एज अ प्रिवेंटिव भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ऐसी कंडीशन के लिए सिनोथस मेडिसिन का टिंक्चर फॉर्म ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक डोज जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ल्यूकीमिया के मरीजों में भी सिनोथस जो है रामबाण औषधि की तरह काम करती है, यानी ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें ब्लड सेल्स अफेक्ट होती है। यह काफ़ी सारे प्रकार का होता है। यह डिपेंड करता है कि प्रीकर्सर सेल्स जो है, जो बोन मैरो में कोशिकाएं बन रही हैं, वह ब्लड सेल्स जो है किस टाइप की है या किस क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है। यह सभी प्रकार के ल्यूकीमिया में आपको मदद कर सकती है। मरीज को अगर बाई और करवट लेने में दिक्कत हो रही है, उसको लीवर वाले एरिया में पेन हो रहा है, साथ ही साथ लीवर का जो पेन है वह बैक में रेडिएट कर रहा है, यानी कि कमर में भी उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह मेडिसिन जो है कारगर है। पेशेंट्स जो कि चाहते हैं कि बालों के लिए कोई टॉनिक हो, बालों में लगाने के लिए ऐसा कोई टॉनिक हो, हेयर टॉनिक हो, जिससे कि मेरे बाल जो है घने आए या गाढ़े आए या डेंस जो है उसकी ग्रोथ मिले मुझे, ऐसी कंडीशन में भी सिनोथस का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में सिनोथस टिंक्चर का, सिनोथस क्यू का कुछ मात्रा 30 ml के अराउंड जो है 100 ml के तेल में, किसी भी प्रकार का तेल जो आप यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, चाहे वो नारियल का हो, तिल का हो, जैतून का हो, या किसी भी प्रकार का तेल हो जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, उसमें 100 ml तेल में आप 30 ml इस दवा का मिला लीजिए और मिलाकर रख दीजिए। इसी मिक्सर को आप रेगुलर यूज़ करिए। यह बालों को आप टॉनअप करेगा, बालों के लिए एक तरह से बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। ज़्यादातर जो है सिनोथस मेडिसिन का उपयोग बीमारियों में टिंक्चर फॉर्म में ही किया जाता है,
साथ ही साथ अगर लोअर पोटेंसीज की बात करें 1x, 2x, 3x या इस प्रकार की जो ट्राइचुरेसेंस होती है, यह ट्राइचुरेसेंस ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती है, इससे हायर पोटेंसीज का उपयोग नहीं किया जाता है, ये पोटेंसीज ही कारगर साबित होती है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सिनोथस मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी थी, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात थी। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।